बोलो झाली देवी मैया की, बोलो कंडवालों की, बोलो कंडवाल परिवार की। बाद में बारिश आएगी, चलो जल्द। वैसे भी हम जंगल में थे और जंगल में ले आते थे। कैसा रहा इसमें सफर? तो हम लोगों को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, दिन में खाना खाया जल्दबाजी में और पानी भी नहीं पिया, तो यहाँ पे अभी पानी मिल रहा है। ऊपर नेटवर्क भी खत्म हो जाएगा, पानी भी नहीं मिलेगा, दुकान भी नहीं मिलेगी, ठीक है? ये तुम ही ने बताया मुझे ये बात। ठीक है, देखिए हमारी दूसरी गाड़ी भी आ गई, मैं तो ऐसी वीडियो बना रही थी। कौन कौन? ये बॉटल भी दो ना, तुम्हारा नहीं है। तो हम लोग जा रहे हैं इस गाड़ी से और यहाँ पे बच्चों की छुट्टी भी हो रही है, कार्ड वार्ड लेके जा रहे हैं और यहाँ पे बढ़िया मीठा पानी आ रहा है। तो इस गाड़ी में देखते हैं हमारे सब साथी, सब हाय करो, हाय गाइस बोलो। कौन कौन है यहाँ? सब मामी लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, इनको भी दे दो पानी। ये देखिए हमारे साथ वालों की गाड़ी आ रही है इतने नीचे, अभी उनको आने में मतलब दिख तो नजदीक रहा है लेकिन बहुत घूम फिर के आना पड़ेगा उनको। तो फिर हम लोग पहुंच गए हैं बैनीताल में और यहाँ की मतलब वाइब ही अलग है, अच्छा ही सुकून भरा माहौल है। मैं बहुत पहले भी आ रखी हूँ, बहुत बार आ रखी हूँ, लेकिन यहाँ का ना किसी भी मौसम में आओ ऐसी ठंडी ठंडी हवा चलती है, इतना सुंदर चारों चारों तरफ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इस जगह पे आके कोई बहुत बड़ा तालाब है, कोई तालाब है पर ऐसा पानी भरा नहीं है, पता नहीं इसमें घास वगैरह है, तो ऐसे कोई वैसी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी एक अलग ही सुकून है। पूरा घास के मैदान है, बुग्याल है और बहुत ही खूबसूरत जगह है, देखने में ऐसा लगता है यहीं पे रहना था। ये देखिए आगे इनकी गाड़ी, हाय गाइस। हाँ ये इन्होंने बंद कर दिया ना, एक्चुअली क्या हो रहा था, पहले रोड जाती थी ऊपर तक मतलब, तो लोगों क्या करते थे गाड़ी लेके जाते थे, बुग्याल खत्म हो रहे थे, इस वजह से उन्होंने यहाँ पे रोड का कनेक्शन खत्म कर दिया, इसे आगे कोई गाड़ी नहीं ले जा सकता है। अब पहुंच गई हमारे साथ की टीम, उतरो उतरो उतरो। हाँ मैं पहले से तैयारी में आई थी। कैसा रहा मामी सफर? हाँ सुंदर सफर है ना। हाँ पर क्या स्टॉल रखना चाहिए। हाँ वही तो। हाँ कैसा रहा इस सफर? हाँ बढ़िया। कैसा रहा मामा जी सफर? मामा तो अपने में ही बिजी। बोलो बोलो कैसा रहा मेरे का सफर? बहुत बढ़िया आनंदम। हाँ ये मेरे मजाक का खेला गया। हाँ तो ये देखिए हमारे मामा जी बहुत बड़े हमारे सिंगर भी हैं, तो इस माहौल में ऊपर मामा जी को बोलेंगे गाना गाने के लिए। चलो भाई आजा। हाँ भाई तो यादें भी रह जाएंगी यार यहाँ, वही तो मामा जी बाद में ये वीडियो देखेंगे, यादें रह जाएंगी ना। क्या बात है, तब लास्ट में यही होता ना। हाँ वही तो। बुझाना वो देखी तस्वीर, दिखो ना दिखो अग्नि फेर, वही तो है? हाँ ठीक है, तो फ्यूचर में हम लोगों को देखने के लिए यादें भी हो जाएगी ये चीज कि यार हम सब लोग साथ में मिले थे, यहाँ गए थे। ये सिर्फ व्लॉग के लिए ही नहीं है कि मतलब खास खास बात ही नहीं, यादें भी हो जाएंगी मतलब फ्यूचर में देखने के लिए। क्या बैनीताल में बहुत अच्छी जगह छे, तो यहाँ बहुत बड़ा ताल छो। हाँ ताल धीरे धीरे हिंदी में बोलो, बाहर वाले भी सुन रहे होंगे। सांस भी बोल दिया। दिखा दे उधर से। हाँ ये सबसे टॉप में है ना बैनीताल, चारों तरफ दिखा दे थोड़ा ये देख। हाँ हम तो पहले ना स्कूल से हम यही हमारा टूर यही होता था। अच्छा टूर पे यही लेके आते थे कि बैनीताल जाना हमारे लिए यही उस साइड फेमस जगह यही थी। हाँ, वैसे भी हम जंगल में थे और जंगल में ले आते थे। हाँ, वैसे अच्छा यहाँ पे लिखे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहयोग दें, मतलब कोई भी कैंपिंग करना मना है यहाँ पे और नशीली चीजों का सेवन न करे। खा खा तो खा हो गया हो गया।
चखी तेरू बन शाली वखी मेरी बिचौकी सर सारी राम देई वखी मेरी बिचौकी सर सारी राम देई। अच्छा वो स्वेटर पहन के आ गई मैं, मुझे पता था कि यहाँ किसी भी मौसम में आओ ठंडी हवा चलती चलती है। तो मम्मी लोग तो पीछे हैं और मेरे साथ केशव निधि लोग आगे चले गए तो मुझे वहाँ से आवाज दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों को भी ये नज़ारा बहुत पसंद आ रहा होगा, मतलब बहुत ही मजा आ रहा है यार। जैसे आप वहाँ जाओ कश्मीर में जम्मू में खुड़ी जाओ चलो तो मामी जी को पूछूंगी मैं, मामी जी कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। हाँ सुंदर जगह ना, बहुत ही सुंदर जगह है। सारे हिल स्टेशन सब फेल है यहाँ, सब फेल है। आपको याद है हम पहले भी आए थे यहाँ पे, बहुत साल हो गए उसमें, साल हो गए पहले में, अब में बहुत फर्क है। पहली जन्नत पे कदनी हुए कदनी हुए कदनी हुए अब बेटी क्या हुए। हाँ वो तो है, मन अपना बस मानी राई कोई अपनो मन बसी जाई। वाह बहुत सुंदर मामा जी, कोई अपनो मन बसी जाई। मामा जी इसके बारे में बताओ, आप सामने वाले के बारे में। अंग्रेजों का बंगला है ठीक है ना, यहाँ इन लोगों का चाय पत्ती का बागान थे इधर। ये जो ढाल है, क्योंकि चाय पत्ती हमेशा ढलान में ही होती है, तो यहाँ पे लोगों चाय पत्ती का बागान था। इसका जो एरिया बताते हैं 7 किलोमीटर लंबा और 12 किलोमीटर लंबा और 7 किलोमीटर चौड़ा एरिया। अच्छा एरिया है इनका, जो कवर जो मतलब इनका अंग्रेजों का बताते हैं एरिया। और इधर इनकी चाय पत्ती क्रश करने की मशीन है, जो मतलब प्रोसेस करने का वो मशीनें भी उनकी अभी यहाँ मौजूद है। यहाँ पीछे नीचे साइड में आप जाओगे तो वहाँ पे वो मशीनें भी रखी। अच्छा अच्छा बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो ये बता रहे थे कि ये जो घर है पीछे वो कोई दिल्ली में रहता है, उनका अपना पर्सनल है, तो मैं तो बस देखने ही चले गई। और इससे ऊपर लोगों के ज्यादातर गांव नहीं है, मतलब लास्ट यहीं तक लोगों के एक दो घर है, इससे ऊपर किसी के घर नहीं है। और यहाँ पे जो ये लोगों के गाय वगैरह चरने के लिए आती है, तो ये जो एक इक्का दुक्का आपको सामने घर दिखाई दे रहा है ना, ये उन्ही लोगों का है। यहाँ क्या हो रहा मामा जी? सब्जी वीडियो बना सकते हो? तो यहाँ से क्या मिल रहा है? सब्जी परचेज कर रहे हैं। अच्छा सब्जी मिल रही है, तैयार नहीं हुआ है। अच्छा ककोड़ा। हाँ हाँ समझ गई, बहुत सब्जी होती है, बहुत चीज। मैं सही जी, हाँ ककोड़ा हो रखा है। ये लगे आए हाँ, बहुत अच्छी सब्जी होती है इसकी, अच्छी सब्जी होती है। अच्छा ये हमको दे रहे हैं, अच्छा ये खराब हो रखा है। अच्छा यहाँ बंद गोभी वगैरह भी सब कुछ हो रखी इनकी। अरे यार यहाँ सब बर्बाद हो रखी है। ये देखो, अरे यार पूरी काकड़ी वगैरह खराब हो रखी है इनकी। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही होती है और खाने वाला कोई होता नहीं है। ये देखो पेड़ पे ही सारी ककड़ी वगैरह खराब हो रखी हैं, खेतों में इनके मक्के वगैरह हो रखे हैं और सब्जियां वगैरह हैं, लेकिन देखो खराब हो रखी सारी। ये मेरे पीछे भाग के आया अभी, इसलिए मैं डर रही थी इसको देख के। अच्छा है? मेरे पीछे ही पड़ी है वो, वही तो। हाँ नहीं नहीं एक जगह पे बैठो तब सुनाओ आप। हाँ मजा आएगा चलो। ये देखो ये सब क्यों हंस रहे बताते हुए तुम्हें, वो ये वाली था लाल वाला था। मैं भागी अंदर भी आया, मैं इनकी हाँ मैं इनकी तरफ आई भाग भाग के कि ये मुझे बचाएगा, ये भागने लग गया। देखो भाई उत्तराखंड वाली भी डरती है ठीक है। लगा बता 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 ये हंसने में लगा है तब से मुझसे। ये देखो मामा जी क्या लेके आ रहे हैं, मामा जी ने बहुत वो
मेहनत करके वहाँ से मुंगरी वगैरह काकड़ी ले ली। बताओ दिखाओ ना मामा जी, बताओ कितने कितने का क्या लिया आपने? काकड़ी चा, आयु मुंगरी चा। अच्छा आयु, और इसका मैंने कोई पैसे नहीं। अच्छा 5 रुपए में ये 10-10 की है मुंगरी और काकड़ी के कोई पैसे नहीं दिए, वो ऐसी था। अच्छा हाँ, ये मामी के पास भी है। मामी कितनी चमक रही पता है आप यहाँ पे, गोरे लग रहे बिल्कुल। तो मामी भी लेके आई है। ये 10-10 रुपए क्या है? क्या वो ये 100 रुपए दिए हमने? अच्छा 100 रुपए दिए, ठीक है ठीक है। सब एक एक पकड़ो यार, सब एक एक, सब यहाँ पर सुनो बारिश हो, चलो ऊपर चलो और एक साथ हो जाओ सबके साथ। हाँ बाद में बारिश आएगी, चलो जल्दी भागो 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 भागो। तो बारिश शुरू होने वाली है, मतलब शुरू क्या हो ही गई है, बूंदाबांदी हो गई, इसलिए हम लोग पीछे पिछड़ा पड़ गया था। मामा जी बताओ कहानी, आपने कहाँ से देखा? फोन आ गया, मामा जी मुझे ऊपर से देख रहे थे, उन्होंने बोला नहीं किसके पीछे भागा, मैं कहा मेरे पीछे, ऐसे मजाक करो कि तुमको ब्लॉगिंग, मैं उनकी वीडियो बनाने गई उसी तो मेरे पीछे। मेहनत लगती है, मेहनत लगती है यार। तो इसी बात पे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड 1000 कमेंट ऑन दिस वीडियो, मत करना प्लीज। बता देखे घर में नाग पाल रहे हैं यार, अचानक कैसे काला पड़ गया मौसम यार, अचानक कितने काले हो। चलो चलो हाँ सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, चलो चलो बाय बाय बाय, चलो 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 चलो। अरे मम्मी अभी तक मेरे साथ ही हुआ, मम्मी को नहीं पता ये बात। अचानक कितना काला पड़ गया मौसम, वही तो। चलो मैं सबसे ऊपर से इनकी वीडियो बना रही हूँ, चलो भाग भाग के आओ गाइस, भाग भाग के आओ, बोलो झाली देवी मैया की, बोलो कंडवालों की की जय, कंडवाल रेजिमेंट की। हाँ 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 कैसे घूम रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ आगे बैठ जाओ, बारिश भी शुरू हो गई है, जा रही हूँ मामा जी आ जाएंगे। मामा जी जाओ अब मेरी वाली, बोलो कंडवाल परिवार की, बोलो क्या कंडवाल रेजिमेंट की जय। हाँ चलो, अरे बारिश शुरू होने वाली है इस वजह से सब लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं, और वैसे भी लिखा हुआ था नीचे बोर्ड पे कि 5 बजे के बाद यहाँ रुकना उतना अलाउड है नहीं, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं जल्दी जल्दी। कोई जानवर जा रहा है उस तरफ की, ओ भाई शाल है शाल, मैंने सोचा भालू ना हो गई। आते रहो आते रहो, अब वापस जाने का समय आ गया, बताओ कैसा रहा अभी सबका सफर, आये मजा आया? आज हमारे बनारस साथ तेरे दादा वो कह रहे हैं हमने खूब आई खूब खाई, हमारे बामणा को तेरा हमारे पास। चलो चलो लगभग 20-25 मिनट तक हम लोग यहाँ पे रुके, हमें थोड़ा सा और रुकना था लेकिन बारिश आ गई है तो ठंडा यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है, इस वजह से हम लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन ये 20-25 मिनट भी बहुत ही सुपर रहे, बहुत मजेदार। मैं बैठ रही हूँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मेरी सीट, हाँ ठीक है ठीक है। ए तुम लोग यहाँ घुस गए, यहाँ इतनी जगह नहीं है, वही तो हम ही चार थे, हम में से किसी एक को पीछे जाना चाहिए। ये देखिए अचानक बारिश शुरू हो गई है तो हम लोगों को चाय पीने का मन करा, अरे कितना धुआं हो रहा है भैया, भैया चाउमीन मिलेगी? चाउमीन मिल जाएगी, चलो अंदर चलो। तो हम लोगों को चाउमीन खाने का मन भी था इसलिए हम सब रुक गए हैं यहाँ पे। आ जाओ गाइस, मामी जी मजा आ रहा है, मजा आ रहा है।
इसको देखो गाइस, इसका मन था चाउमीन खाने का। क्या है भैया इसमें, अच्छा अंडे है इसमें। तो फिर हम लोग खाने वाले हैं चाउमीन, और यहाँ पे बैठी हुई सारी हमारी जनता, तो मामा जी कर रहे हैं वहाँ पे ऑर्डर, और सब हम लोग वेट कर रहे हैं चाउमीन का। देखो बाहर कितनी बढ़िया बारिश हो रही है। क्या बोल रहा है, सारी जगह गेली। कोई नहीं, जब खाना आ जाएगा तुम लोग यहाँ बैठ जाना। हाँ यार भाई, तो बहुत घूम के। Follow and subscribe and like. इसने पूरे गड़वाली। ये देखिए सबसे पहले आ गई हमारी चाय। यार इस ठंड में चाय पीने का अलग ही मजा है। एक किस कितनी चाय है यहाँ पे। बोलो बोलो, ये बहुत फेमस चाउमीन है। हाँ हाँ हाँ, ये देखो पूरे संसार में इससे अच्छी चाउमीन कोई नहीं हो सकता। मैं जापान भी गया था, वहाँ भी ऐसी चाउमीन मैंने नहीं खाया आज तक। और इसकी बहुत बिक्री होती है, ये बहुत सज्जन आदमी है। और बहुत शुद्ध, पर ये तो मैगी है ना, मैगी। अच्छा, तो घर पहुंचते पहुंचते हम लोगों को रात हो गई है, और रास्ते में कुत्ता आ गया, तो इस वजह से अभी यहाँ पे जाम लग गया है। तो बताओ भाई कैसा है आप लोगों का सफर। किसी के चेहरे नहीं दिख रहे, सबकी टॉर्चें दिख रही है। कौन कौन है यहाँ पे। अच्छा ईशु मामी जी लोग, हाई तो करो, हाई करो सब। मौसा जी हाई करो। मौसा जी अपने मुंह पे लाइट मारो, तब आपकी शक्ल दिखेगी। ये देखो ये मौसा जी। हाँ हाँ हाँ, अब मौसी मौसी दिखाओ। ये देखो ये मौसी, अब दिखाओ पीछे पीछे सब अपने चेहरे पे लाइट मारो। सबसे लास्ट कौन है, मामी जी। मामी दिखाओ, बड़ी मामी दिखाओ। ओ मामी जी दिख गई। ये बड़ा चक्का जाम लग गया यार है मामी जी। अरे कुत्ता रास्ते में खड़ा होगा। चलो 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 चल 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 चल। अरे यार तू तो बैठ यार, बैठ गया अरे वहाँ से जा तो सकते हो, साइड में चलो। पूछ पे बैठ मत रखना, पूछ पे बैठ मत रखना। कैसी लंबी लाइन लग रखी, जैसे स्कूल में प्रभात फेरी के लिए लाइन नहीं लगती, वैसी लाइन लग रखी। चलो चलो, आते ही हम लोग बैठ गए हैं अपने राज सिंहासन पे। क्या बोल रही, छोड़ो जो भी आ रहा है। मम्मी यार तू रहने दे, कुछ देर चोरी मत करो सामान। ये हमारा बहुत ही कीमती सामान है। टूट गया तो, अरे 3 क्विंटल नहीं बैठ सकते ना। ले मामा जी चाय पकड़ो।